हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए इस सेशन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा सेशन है इलेक्ट्रिशियन यूनिट नंबर 3, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या प्रारंभिक विद्युत हम पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो पूरी है यह मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो बना लिया। अब ये आपने यदि वह वीडियो नहीं देखे तो वह वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगे। और जो मैंने एमसीक्यू के वीडियो बनाए हैं उनमें एमसीक्यू भी लगाना और मुझे बताना कि आपकी कितने एमसीक्यू सही हुए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और अभी एक भर्ती आई है दिल्ली पुलिस SSC, वह आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा यदि आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, हमने कल पढ़ा था प्रतिरोध, धारा या धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है या धारा के मार्ग में जो रुकावट बनता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सिंबल इस तरीके से होता है, या दोनों सिंबल प्रतिरोध के हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने ओम। ओम क्या है? तो ओम यह प्रतिरोध की इकाई होती है। जब किसी परिपथ में से 1 वोल्ट प्रभाव में से 1 एम्पीयर धारा गुजरे तो उसमें से उसे 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। 1 ओम बराबर से होता है 1 वोल्ट / 1 एम्पीयर या 1 वोल्ट / 1 एम्पीयर। इसके बाद पढ़ा था हमने कूलाम। कूलाम क्या है? तो यह आवेश की इकाई या चार्ज मात्र है। 1 एम्पीयर की धारा मात्रा परिपथ या चालक में से गुजरती है तो वह 1 कूलाम चार्ज गुजरता है। चार्ज को अंग्रेजी के कैपिटल Q से दर्शाते हैं और कूलाम को कैपिटल C से दर्शाते हैं। यह आप जरूर याद रखिएगा, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 कूलाम बराबर से होता है 1 एम्पीयर / 1 सेकेंड। क्या होता है? 1 सेकेंड। और 1 कूलाम बराबर से होता है 6.642 × 10^18 एम्पीयर प्रति सेकेंड। क्या होता है? यह जरूर याद रखिएगा आप कि कूलाम पर कितना चार्ज होता है। तो 6.642 × 10^18 या 18 एम्पीयर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने लोड प्रतिरोध। विद्युत की किसी भी संपूर्ण परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध लोड प्रतिरोध कहलाता है। प्रभावी प्रतिरोध से क्या है? जैसे कि हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं सभी जब वर्क करते हैं तो उसमें सभी का जो प्रतिरोध होता है वह इंक्लूडिंग करके, वह इंक्लूड करने से जो प्रतिरोध बनता है पूरा, उसे हम लोड प्रतिरोध कहते हैं। लोड जैसे कि लोड उसे कहते हैं जो विद्युत की खपत करते हैं, जैसे लाइट, पंखा, TV, फ्रिज, कूलर, यह सभी लोड है, मोटर आदि। नेक्स्ट पढ़ा था हमने टर्मिनल वोल्टेज। जनरेटर या विद्युत या बैटरी के टर्मिनल पर मापा गया वोल्टेज वोल्टमीटर के द्वारा मापा गया वोल्टेज ही टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इसकी मात्रा EMF से हमेशा कम होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमेशा कम होती है। इसका सूत्र है VT यानी टर्मिनल वोल्टेज बराबर से E-IR। I धारा है और R आंतरिक प्रतिरोध होता है और E का मतलब होता है EMF। आज पढ़ना है हमने को वोल्टेज ड्रॉप। क्या पढ़ना है? वोल्टेज ड्रॉप। विद्युत परिपथ में लगे विभिन्न कंपोनेंट का प्रतिरोध इम्पीडेंस के अनुसार ही उसके टर्मिनलों पर वोल्टेज पर कार्य करता है तथा करंट को गुजरने देता है। इस प्रकार करंट तथा प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें वोल्टेज और धारा दोनों दिया गया है, यह वोल्टमीटर लगाया गया है और यह धारा I का निशान दर्शाया गया है। इसमें R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 प्रतिरोध है। इसमें से यह जो आपको बिंदु दिख रहा है यह धारा गुजरती हुई नज़र आ रही है, इसमें से धारा और वोल्टेज दोनों गुजरता है। तो धारा और वोल्टेज को सभी जब हमारे क्या बोलना चाहिए उनको उपभोग बिंदु या लोड लगा दिए जाते हैं तब इनमें से धारा और वोल्टेज दोनों गुजरते हैं। तो धारा और वोल्टेज गुजरने पर जो प्रतिरोध हमारा वर्क करता है यानी जो प्रतिरोध लगता है तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या कहते हैं? वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जितनी धारा गुजर रही है यानी कि हम इसमें प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा कम गुजरेगी, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगा और इस रुकावट उत्पन्न होने से जितनी धारा बहेगी उसे हम I मानते हैं और प्रतिरोध
जो रुकावट पैदा करता है उसे हम हार मानते हैं। तो इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, इन दोनों के गुणनफल को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। यदि प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा तो धारा कम बहेगी और वोल्टेज ज़्यादा बहेगा, और यदि प्रतिरोध कम लगता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यदि प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम रहेगी और वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, और यदि प्रतिरोध कम है तो धारा ज़्यादा बहेगी और वोल्टेज कम बहेगा। यानी धारा और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि धारा इंक्रीज होगी तो प्रतिरोध डिक्रीज होगा, और प्रतिरोध इंक्रीज होगा यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? धारा और रेजिस्टेंस। अब धारा और रेजिस्टेंस क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होते हैं। धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, और जब धारा कम होगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज कम होगा तो धारा बढ़ेगी। जब हम सभी लोड लगा देते हैं तो लोड लगाने के बाद में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट है, मूलभूत इकाइयाँ यानी फंडामेंटल्स इकाई। हमें इस विद्युत वाली यूनिट को समझने के लिए कुछ मूलभूत इकाइयाँ पढ़नी होगी, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। मूलभूत इकाइयों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है, देख लेते हैं कौन कौन से भाग। यह तीन भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक इकाइयाँ या मैकेनिकल यूनिट्स, दूसरा है विद्युतीय इकाइयाँ या इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, तीसरा है ऊष्मीय इकाइयाँ या थर्मल यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं पहली यांत्रिक इकाई। तो यांत्रिक इकाई को हम इंग्लिश में कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल यूनिट्स। इसमें पहली इकाई है द्रव्यमान। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तथा इसे m छोटे m से प्रदर्शित किया जाता है। आपने सुना मास हमेशा हमारा एक जैसा रहता है। जैसे कि हमारा भार पृथ्वी पर 50 kg है तो वह चंद्रमा पर जाकर कम हो सकता है, यानी 10 kg भी हो सकता है, 15 kg भी हो सकता है। लेकिन यदि हमारा द्रव्यमान 20 kg है, 20 kg है, तो यह चंद्रमा हो चाहे कोई अन्य ग्रह उपग्रह कहीं पर भी हो, यह 20 kg ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है तो सिर्फ भार यानी वजन में होता है। और भार क्या है कि हम जिस भी ग्रह पर हैं तो वह ग्रह हमारे और कितना अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, यानी हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी हमें कितनी तेज़ी से अपनी ओर खींच कर रखती है, वही हमारा भार कहलाता है। लेकिन द्रव्यमान वह होता है कि हमारे अंदर द्रव्य की मात्रा या किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्य की जो मात्रा है वह कभी कम ज़्यादा नहीं होती, वह एक जैसी रहती है। तो वही होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान या मास, इंग्लिश में से कहते हैं मास। चलिए नेक्स्ट है वेग। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी भी स्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एकांक समय यानी कि क्षणिक मान, यानी एक सेकंड से भी कम समय जो होता है क्षणिक मान, उसमें किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में स्थापित की जाती है या भेजी जाती है या डिस्प्लेस की जाती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है, तो उसे उसका वेग कहते हैं। एकांक समय यानी क्षणिक मान, एकदम मैंने बोला उससे भी कम समय, उसे वेग कहते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मैं इसको आगे अभी आपको चलती हुई इमेज के द्वारा समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे स्मॉल a या छोटे a से प्रदर्शित किया जाता है। आप देख सकते हो त्वरण क्या होता है। तो जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि एक वेग में चल रही है गाड़ी, लेकिन हम एकदम से यदि एक्सेलेटर या एक्सेलरेशन, त्वरण को ही अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेट या एक्सेलरेशन, तो हम जैसे ही
हाथ से एक्सेलरेट करते हैं तो वह उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, तो वह हुआ त्वरण। और यदि हम हाथ से एक्सेलरेशन कम करते हैं तो वह उसकी स्पीड हो जाती है कम, यह भी त्वरण का ही एक भाग है जिसे हम कहते हैं मंदन। कम होना मंदन कहलाता है और अधिक होना त्वरण कहलाता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यदि ज़्यादा होता है तो वह त्वरण कहलाएगा और कम होगा तो मंदन कहलाएगा। तो आपको त्वरण समझ में आया होगा। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु विशेष द्वारा बदला गया वेग ही त्वरण कहलाता है। इसकी और एक दूसरी परिभाषा बताइए। किसी वस्तु विशेष द्वारा बदला गया वेग ही त्वरण कहलाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो आसानी से, इसमें दिखाया गया है यह जो ग्रीन वाली लाइन है यह एक्सेलरेशन की है, और जो रेड वाली है यह वेग की है। यानी वेग तो यह हमेशा एक जैसा ऐसा चलते रहेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है यह कम ज़्यादा होता रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि वेग कैसा होता है और त्वरण क्या होता है। वेग की परिभाषा में बताया गया था कि एकांक समय यानी तीक्ष्ण मान या एक छोटे से समय में जो वस्तु या इसमें परिवर्तन होता है उसे हम वेग कहते हैं। और त्वरण में बताया गया था कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में जो परिवर्तन होता है यानी कभी यहाँ है तो फिर यहाँ पहुँच जाए, एकदम से कम या ज़्यादा होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। और इसको स्मॉल ए से दर्शाया गया है और इसे स्मॉल वी से दर्शाया गया है। वेग को वी से दर्शाते हैं और ए से त्वरण को। अब यह पेंडुलम के द्वारा दर्शाया गया है कि कब वेग ज़्यादा होगा और कब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो ग्रीन वाला जो है यह वेग है और जो ब्लू वाला है वह एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इसका मध्य में ज़्यादा होता है, इस एरिया में इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। और जब किनारों पे जाता है तो जब किनारे से वापस आता है तो वापस आते वक्त इसका वेग ज़्यादा हो जाता है। क्या ज़्यादा हो जाता है? वेग। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा। और जब किनारे पर जाने वाला रहता है तब इसका वेग एकदम यहाँ पहुँचने पर शून्य हो जाता है, और शून्य होने के बाद में बढ़ता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन मध्य में अधिक हो जाता है और बाकी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वेग इसका मध्य से बढ़ता है लेकिन एक्सेलरेशन इसका किनारे पर ज़्यादा हो जाता है। किनारे पर यानी कि लास्ट बिंदु पर पहुंचने पर यह स्पीड से आता है, तो जब स्पीड से आता है तो वही इसका त्वरण कहलाता है, जब स्पीड से वापस आता है तो वही इसका त्वरण कहलाता है। तो आप इस पेंडुलम के द्वारा भी समझ सकते हैं। चलिए अब त्वरण का फार्मूला देख लेते हैं। तो त्वरण का फार्मूला है स्मॉल ए बराबर से डी वी बटे डी टी। डी वी का मतलब वो है डिस्प्लेसमेंट वेग बटे डिस्प्लेसमेंट समय, यानी कितने समय में इसके कितने वेग में फ़र्क आया है या कितना अंतर हुआ है। तो यह इसका फार्मूला है, फार्मूला ज़रूर याद रखना आपको, ए बराबर से डी वी बटे डी टी। नेक्स्ट है बल या फोर्स। किसी स्थिर वस्तु या समान गति से गतिशील वस्तु को खींचने या धक्का देने पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना ही उस वस्तु पर लगा बल कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। एफ का अर्थ है वस्तु पर लगाया गया बल, और एम स्मॉल एम का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान कितना है, और स्मॉल ए का है अर्थ है त्वरण। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एफ बराबर से एम इंटू ए। एम का मतलब हुआ द्रव्यमान और ए का मतलब हुआ है त्वरण, और एफ का मतलब है बल या फोर्स। तो आप देख सकते हो जैसे कि मान लेते हैं यह एक बॉक्स है इस तरीके का, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इसे फोर्स लगाकर आगे की ओर खिसकाता है। यदि यह बॉक्स खिसक कर यहाँ आ जाता है आगे, तो इसका बल लगा है, और जिस जितना बल लगेगा उतने जल्दी और उतनी स्पीड से यह बॉक्स आगे खिसक जाएगा। और यदि बल नहीं लगता है तो इसमें कार्य जीरो होगा, यानी कुछ भी कार्य नहीं होगा, लेकिन यह बल तो लगा रहा है। और यदि बॉक्स आगे खिसक जाता है तो यह कार्य हो जाएगा। इस इमेज के द्वारा समझ सकते हो आप कि यह जो लड़की या लेडी है यह इस बॉक्स को अपनी ओर खींच रही है, तो यह बॉक्स जब आगे आएगा तो यह कार्य हो जाएगा, और यह लड़की इस रस्सी के द्वारा
अपनी ओर इसे खींचने में बल लगा रही है या ताकत लगा रही है। तो यही होता है बल, कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में जो बल लगता है उसे ही हम बल कहते हैं, बल या फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल एफ बराबर से एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, यह इसका फार्मूला होता है। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, और यदि सेशन अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा आईटीआई वालों दोस्तों में। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए, और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा और आगे ऐसे ही वीडियो बनाना है या नहीं। और यूनिट 1 और यूनिट 2 और दिल्ली पुलिस की वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा, वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।